आज हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की क्लास 2 है। इसके पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जो है क्लास 1 को एक बार देख लीजिए तो क्लास 2 आपको ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगी। संबंधित क्लास का PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में चाहिए तो आप जो है www.globalitii.org पर जाकर इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो कल हम लोग 36 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, आज हमारा क्वेश्चन है 37। पूछा है विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर कंटेन इन कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो ये सब लोग जानते हैं कितने होते हैं, 6.25 × 10^18। ये इसका राइट आंसर है और यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं ये पावर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सही है, डी नंबर सही है, 6.25 × 10^18, 10^18। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सिल्वर, चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत क्या है। देखो आपसे पूछा, जब हम बताएं आपका एक क्या बोलते हैं, कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये बार बार आपको क्वेश्चन परेशान करेगा कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं, तो जिससे कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, तो कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी उसी के अंदर लागी है। ठीक है, उसी का कंडक्टेंस से बनी हुई है कंडक्टिविटी। ठीक, जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा। पूछा हुआ चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का परसेंटेज कितना होता है, कल हमने आपको बताया था सिल्वर कॉपर गोल्ड और एल्युमिनियम चारों के बता दिए थे। ये चारों आपसे जो है एक एक करके क्वेश्चन बार बार घुमाता रहेगा, पूछता रहेगा, तो आप लोग जो है कन्फ्यूज मत होना, आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए सिल्वर कॉपर गोल्ड एल्युमिनियम। ठीक, सिल्वर की 100%, कॉपर की 94% और गोल्ड की 67, एल्युमिनियम की 56। ये आप लोग जो है टेबल बनाकर कहीं रख लीजिए, बेसिकली इतने में ही काम चल जाएगा। बाकी हर मटेरियल की अपनी एक कंडक्टिविटी होती है, हर एक मटेरियल की अपनी एक रजिस्टिविटी होती है। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी का, तो वहाँ पे हम जो है फार्मूले का यूज करके सॉल्व भी करेंगे, तो हमारे जो मन में डाउट है वो भी दूर हो जाएंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चांदी में, चांदी का मतलब सिल्वर, तो क्या होता है राइट आंसर 100 हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर कैसा हो जाएगा, 100। ठीक, यहीं से क्लियर हो गया आपका, सिल्वर की कंडक्टिविटी कितनी होती है 100%। इसका सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज भी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जितने हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है ट्रांसफार्मर में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, ज़्यादातर जो हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं अपना, सिल्वर का यूज करते हैं कंडक्टर। वो भी कभी कभी कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो सिल्वर में कुछ एलिमेंट मिला लेते हैं, कुछ दूसरे पदार्थ मिला लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो क्योंकि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, 100% इसकी कंडक्टिविटी है, इसलिए इसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि सिल्वर का यूज क्यों करते हैं, तो बता देना उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसलिए हम सिल्वर का यूज करते हैं। एल्युमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है, एल्युमिनियम देखो, अभी देखो, अभी हमने पूछा था, अभी हमने आपको बताया था कि जो हमने एक टेबल बताई छोटी सी, कौन सी, SCGA बोले तो सिल्वर, बोले तो सिल्वर, सिल्वर कॉपर, सिल्वर कॉपर गोल्ड और एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम ये आपके चार एलिमेंट हैं, हमने की कंडक्टिविटी आपको अलग अलग बताई थी। तो देखो क्या पूछा है इस बार, इस बार पूछा है एल्युमिनियम की, इस बार पूछा है एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम कितनी होती है 56, हमने बताया था आपको 56, 67 और कापर की, कापर की कितनी बताई थी आपको 94, सिल्वर कितनी बताई थी 100, ये आपको हमने अभी बताई थी। तो ये चारों की अलग अलग है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, जैसा भी आपको टेबल मैच करे आप उसी हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ी चीज़ें आप याद कर लीजिए, दो चार चीज़ें याद कर लीजिए, बाकी अभी हम आपको बता देंगे कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी कैसे फाइंड की जाती है। यह हुआ एल्युमिनियम कितनी है, 0.6 दिया हुआ है, 0 यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ अगर इसे हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर भी है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कि सर ने तो बताया है एल्युमिनियम की 56% होती है, यहाँ तो 56 दिया ही नहीं है, तो उसका सिर्फ लॉजिक यही है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन
डायरेक्शन इज कॉल्ड, किसी भी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कैसे कहा जाता है। हिंदी थोड़ा सा ये लोग ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। देखो किसी विशेष दिशा में बोला हुआ है, किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा का मतलब होता है कोई एक दिशा, पर्टिकुलर दिशा कुछ भी हो सकती है, किसी एक दिशा में, ठीक, किसी एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को क्या बोलते हैं हम भाई, हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का एक दिशी प्रवाह क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनों का एक दिशी प्रवाह ही धारा कहलाता है, आप लोग जानते हो। तो विशेष, किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से, मतलब कंडक्टर है ना ये हमारा, ये हमारा कंडक्टर मान लीजिए, चालक पदार्थ मान लें, ये हमारा चालक पदार्थ है, इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक। बोला हुआ है विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि आप जो है जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ लो, सफिशियंट है। एक बार आपने अगर टेबल हम जो बताया आपको याद कर लिए, किसकी हमने आपको एक बार बताया है, सिल्वर कापर गोल्ड एल्युमिनियम, चार को आप याद कर लीजिए। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा यही पे, पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम में, पूरा आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी सबसे ज़्यादा यूज है, तो सिर्फ सिल्वर एल्युमिनियम कापर गोल्ड, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसके अलावा कुछ भी पूछेगा या उसकी भी कुछ पूछने की मेंटालिटी होगी तो क्या पूछेगा, वो सीधे चला जाएगा सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग की ट्रेड होती है। सेमीकंडक्टर पुट अप करेगा तो क्या बोलेगा, जर्मेनियम पूछ लेगा आपसे, सिलिकॉन पूछ लेगा आपसे, वहां पर फिर बोलेगा कि सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे सेमीकंडक्टर हो गए। अब ये बताओ जैसे हमें कंडक्टिविटी ज़्यादा करनी है सेमीकंडक्टर में, कंडक्टिव घटानी है, तो कहते हो कि हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग में क्या, कैसे कैसे डोपिंग कर सकते हो, पी टाइप डोपिंग कर सकते हो, एन टाइप डोपिंग कर सकते हो, पी टाइप में कैसे मिलाते हो, एन टाइप में कैसे मिलाते हो, एन टाइप में हम पंच संयोजी मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, जो हमारी मंडलीय की जो हमारी आवर्त सारणी है। अब देखो ये ट्राईवेलेंट पेंटावेलेंट, अभी इस टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हैं, आपके जो डोपिंग करते हैं ट्राईवेलेंट करते हैं, पेंटावेलेंट करते हैं। अब ये सर ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट नाम क्यों दे दिया, ये आवर्त सारणी से नाम आए हुए हैं। आवर्त सारणी के जितने पांचवें आवर्त में हमारे सब एलिमेंट आते हैं वो सब पेंटावेलेंट निप्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, उनको उनमें से हम किसी एक को मिला करके उनको हम अपने जो सेमीकंडक्टर हैं जो हम उसमें किसी में एक को मिला के, सब लोग बेसिकली रटे क्या हुए हैं, कुछ लोग रटते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान, तो ये कुछ रटने की चीज़ें नहीं है। ये पी टाइप एंड टाइप में जो हम डोपिंग करते हैं, तो हमारा जो बताए ना ट्रायवेलेंट पेंटावेलेंट नाम इसीलिए पड़ा, आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग नाम पड़ा हुआ है। जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वहाँ पे हम त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाते हैं, और जो पेंटा क्या बोलते हैं, जो एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है, वहाँ पे हम पंच संयोजी मिलाते हैं। अब पंच संयोजी त्रिसंयोजी आया कहाँ से, आवर्त सारणी में हमारे तीसरे आवर्त के जितने तत्व हैं वो ट्रायवेलेंट में आ जाएंगे, जितने हमारे पांचवें में हैं पेंटावेलेंट, इसी के अकॉर्डिंग इनको नाम दे दिया गया है, अलग से कहीं नहीं आया है, ठीक। अब हमने बताया त्रिसंयोजी पंच संयोजी का मतलब, फिर वही चीज आएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाह्यतम संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार है तो सेमीकंडक्टर है, और अगर चार से ज्यादा हो गई, पांच हो गई, तो फिर वो कमजोर सेमीकंडक्टर हो जाएगा, वो किस ओर जाने लगेगा, वो कुचालक की ओर जाने लगेगा, कुचालक की ओर जाने लगेगा ना, मतलब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला रहा है, वो क्या बोलते हैं, चार से ज्यादा हो गई, पांच हो गई, छह हो गई, तो धीरे धीरे जो हमारा अर्धचालक है वो कुचालक की ओर जाने लगेगा। कुचालक का मतलब कि वो जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, मतलब कि वो धीरे धीरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यदि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या बचे, चार से ज्यादा हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, तो हमारा बैड सेमीकंडक्टर कह सकते हो। मतलब कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, फिर से अभी तो ऑलरेडी कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद अगर हम जो आपका अर्धचालक है और क्या बोलते हैं अर्धचालक और कुचालक है उसके बीच में अगर देखें तो फिर कैसे हो जाएगा, जब जैसे बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इज मोर देन फोर, पाँच हो गए, चार हो गए, तो वहीं पे जो है आपका अगर चार से कम हो जाएंगे तो वो मटेरियल हमारा किस ओर आने लगेगा, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी। कैसे, क्योंकि हमारा जो कहता है, क्या कहता है कि जिस पदार्थ के बाह्यतम संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन फोर, लेस मतलब चार से कम हो गए, एक दो तीन हो गए, तो वो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। कौन से होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो वही चीज़ पूछा हुआ है, और कंडक्टिविटी निकालते किससे हैं, देखो इसका फार्मूला होता है कंडक्टेंस का फार्मूला होता है, कंडक्टेंस आप जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपान आई होता है, तो कंडक्टेंस का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू आई अपान वी।
कैसे सर आर इक्वल आई अपान वी कैसे, आर आर बराबर वी अपान आई तो हमने पढ़ा था, आज आप पहली बार बता रहे हो। तो अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बताएंगे कि कंडक्टेंस और जो है क्या बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। यदि कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस वहाँ का घटेगा। तो क्या दिया हुआ है, सिल्वर कापर गोल्ड एल्युमिनियम। अब ये निकालते हैं किससे, हमने बताया आपको आई अपान वी से निकालते हैं। कंडक्टेंस का कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को हम जी से व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं, जी से व्यक्त करते हैं, किससे, जी से व्यक्त करते हैं। एस सी जी ए इसका कितना होता है, हमने बताया था आपको 100, इसका कितना होता है 94, इसका कितना होता है गोल्ड का आपको बताया थे हम 67, इसका कितना होता है, इसका 56 होता है। अब देखो दिया हुआ विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी है, अब यहीं से देखो ना किसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। देखो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी ना, कि क्योंकि देखो सिल्वर बोला है विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है, तो इस टेबल से आपको समझ में आ गया कि किसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, सिल्वर की। ठीक, कंडक्टिविटी निकालते किससे हैं, करंट और वोल्टेज के रेशियो से निकालते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा जितनी अच्छी करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी उतनी अच्छी कंडक्टिविटी। तो यही होगा सिल्वर में, क्या हुआ सिल्वर की 100% है ना करंट कैरिंग कैपेसिटी 100%, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा हुआ, हमारा सिल्वर हुआ। विद्युत धारा में किस फील्ड में विद्युत धारा में, मतलब किस क्षेत्र में विद्युत धारा में धातु चालकता बहुत अच्छी होती है, तो सिल्वर की सबसे अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करती है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब आप जानते हो आर इक्वल टू वी अपान आई होता है, आर बराबर वी अपान आई होता है। अब यही पे देखो आर बराबर वी अपान आई होता है, अगर कंडक्टेंस का पूछा होता है, रेजिस्टेंस है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कंडक्टेंस, तो जी इक्वल टू आई अपान वी हो जाएगा ना, जी इक्वल टू आई अपान वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू आई अपान वी। अब देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली है कि नहीं है, एक बोल रहा है आर इक्वल टू वी अपान आई, एक बोल रहा है जी इक्वल टू आई अपान वी। कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या बोल करते हैं हम, और कहीं कहीं वी को क्या लिख देता है, ई लिख देता है, ई ईएमएफ, ईएमएफ की मात्र, ईएमएफ की, ईएमएफ की यूनिट भी क्या होती है हमारी, वोल्ट ही होती है। तो कंडक्टेंस और आपका ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में कैसा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है कह दें। अगर रेजिस्टेंस घटे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस वहां का घट जाएगा। तो बोला कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होगा तो कंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब चालकत्व हमारा चालक का इंक्रीज होगा। लेकिन क्या बोल रहा है कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध, अब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब कम फ्लो हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, वहाँ पे प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रतिरोध की वैल्यू मतलब देखो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे कम फ्लो हो पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पे विरोध करने वाला आ गया, कौन आ गया विरोध करने वाला, प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और कंडक्टेंस क्या होता है, आई अपान बी होता है। ये इसका राइट क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने का क्वेश्चन, कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड वायर को कैसे कहा जाता है, कल भी यही क्वेश्चन आया था, आज भी यही क्वेश्चन आया, घूम घूम कर वही क्वेश्चन दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आप हुकअप वायर सीधे बोलिए, आगे बढ़िए। सिंगल स्टैंडर्ड कंडक्टर कैसे होता है, मल्टी स्टैंडर्ड होता तो मल्टी कंडक्टर रखते हम, ठीक, स्टैंडर्ड करने के लिए। और यहाँ पे हम मल्टी स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बोला है हाउ द सिंगल स्टैंड वायर इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको, हुकअप वायर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तांबे में विद्युत प्रवाह की चालक का परसेंटेज बताइए, बार बार बोल रहे हैं कि हमने जो आपको चार बताए हैं बस उनको याद कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बार बार वही क्वेश्चन घुमा के आने, कुछ भी नया नहीं आना है, अगर चार पाँच कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए हम सीधे यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव साथ साथ थ्योरी इतनी ज़्यादा तैयार करवा देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमें भगाना नहीं है, उस क्वेश्चन के साथ जितनी चीज़ें और बन सकती हैं पॉसिबल, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हमें उनको भी लेकर चलना है, यही हम लोग का उद्देश्य है। तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का परसेंटेज बताइए, फिर से हम बोल दिए सिल्वर कापर गोल्ड एल्युमिनियम, आप इस टेबल को याद रखिए। अब देखो सिल्वर कापर गोल्ड एल्युमिनियम, देखिए सिल्वर कापर 94 आया ना, अब ये आप चार हमने आपको याद करा दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने करीब 7 से 8 बार अब तक इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी, आप जान चुके होंगे, तो कितनी होती है 0.94। अब सबकी तो परसेंटेज में लिखा है, इसकी डिवाइड किया है किससे, कंडक्टेंस क्या होता है, जी इक्वल टू आई अपान वी होता है, जी इक्वल टू आई अपान वी होता है। ठीक, अब ये जी इक्वल टू आई अपान वी क्यों होता है, क्योंकि आर बराबर हमारा होता है वी अपान वाई, और कंडक्टेंस हमारा जो है रेजिस्टेंस क्या है,
अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, तो इनका रिलेशन भी अपोजिट होगा। कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, ये क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, जितने एम्पियर आपकी करंट दी हुई है, जितने एम्पियर आपकी करंट दी हुई है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर लिख लीजिए, जितना आपका वोल्टेज दिया हुआ हो वो लिख लीजिए। अब परसेंटेज कंडक्टेंस निकालना होगा तो ही बता देंगे। अब देखो, जितना वोल्टेज आपका 220 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ हो, उसके बाद जितना भी निकल कर आए उसको क्या करिए आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको क्या करिए आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस आ जाएगी परसेंटेज में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे देखो तीनों का तो परसेंटेज में लिखा हुआ, 56 लिखा है, 67 लिखा है। 56 किसकी होती है, एल्युमिनियम की होती है, ठीक। 67 किसकी होती है, गोल्ड की होती है। 94 किसकी होती है, कापर की होती है। और 100 किसकी होती है, सिल्वर की होती है। सिल्वर की 100, कापर की कितनी, 94, गोल्ड की कितनी, 67, और एल्युमिनियम की कितनी, 56। ये हमें देखो याद है, आपको भी याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। इनमें सब में परसेंटेज निकाल लिया है 100 से मल्टीप्लाई करके, इसमें नहीं निकाला हुआ है, वो उसने होशियारी दिखाई है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 94 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दोगुना करने के लिए बदल दिया गया। हाउ मेनी गेज नंबर इन SWG चेन टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे क्या निकालते हैं, वायर का गेज पता करते हैं। क्या पता करते हैं, वायर गेज पता करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज एक मानक है, मानक किससे मिलता है हमको, जो हमारा BIS होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISO, जितनी हमारी मानक संस्थाएं हैं वहां से हमें मानक मिलते हैं, ठीक। तो यह है स्टैंडर्ड वायर गेज, क्या बोला है, फुल फॉर्म इसका क्या हुआ, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है SWG का, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या बोला है, SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दोगुना करने के लिए बदल दिया गया है। बोला हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया हमें डबल करना है, तो क्या करेंगे, हाउ मेनी गेज SWG चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो क्या होगा, दो गेज आकार में कमी आई है, चार गेज आकार में कमी आई है, चार गेज आकार में वृद्धि हुई है, 4 गेज साइज इंक्रीज, 5 गेज साइज इंक्रीज, 3 गेज साइज डिक्रीज। देखो बोला हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का की पॉइंट देखो, हम आपको बताएं तरीका बता रहे हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं। हाउ मेनी गेज नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज चेंज टू डबल, ठीक, डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। हाउ मेनी गेज नंबर मतलब कितने गेज नंबर चाहिए, चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन को डबल करने के लिए एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो उसके लिए कितने चाहिए आपको, 3 गेज साइज डिक्रीज करना है, 3 गेज आकार में कमी आई। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 गेज साइज डिक्रीज। हिंदी में मत जाया करिए, अगर हिंदी से पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, आपके दिमाग में भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा इंग्लिश में पढ़िए। वही बोला, क्वेश्चन का की वर्ड पढ़िए, बोला हाउ मेनी गेज नंबर इन WG स्टैंडर्ड वायर गेज चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या होगा, इसका 3 गेज साइज डिक्रीज करेंगे, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46, क्या दिया है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल, इंसुलेटिंग सामग्री के मूलभूत गुण क्या है। इंसुलेटेड सामग्री हमारी क्या होती है, देखो हमारा इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक पदार्थ। 3 पदार्थ ही होते हैं हमारे, चालक अर्धचालक, उसके बाद होता है कुचालक, चालक अर्धचालक और कुचालक, ये आपके 3 प्रकार के ही मटेरियल होते हैं। कुचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमने आपको पूरा बता दिया है, इनके जो आउटर मोस्ट बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 से 8 होती है, इसलिए ये कुचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता किसी कीमत में, इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन इनमें डोपिंग करके हम इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इनमें आसानी से धारा का प्रवाह होता है, आसानी से धारा प्रवाह होता है किसमें, कंडक्टर में, चालक पदार्थ धारा प्रवाह आसानी से होता है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखते हैं क्या बोला हुआ है, अब इनके और क्या चाहिए। अब देखो भाई, जिसमें हमारा जो कुचालक है, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर है। इंसुलेटर कब होगा, ठीक, इंसुलेटर कब होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो पहली चीज़ तो क्या है, कुचालक हुआ। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो इंसुलेटर है इसका क्या होना चाहिए, प्रतिरोध हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिरोध हाई होगा तभी धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, तभी तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा,
तभी तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा जब प्रतिरोध इनका अधिक होगा। अभी हमने पिछले रिलेशन बताए हुए हैं, तो इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि करंट का कंडक्शन शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ बोलते हैं। प्रतिरोध के क्या होते हैं, प्रतिरोध और ये क्या बोलते हैं, करंट का जो रिलेशन है आप जानते हो कि प्रतिरोध बढ़ता है तो वहाँ का करंट जो है घट जाता है, या हमें करंट के मान को घटाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रतिरोध लगाते हैं। लेकिन वही चीज़ ना, अब ये चालक, इन अर्धचालक और कुचालक में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धारा का प्रवाह नहीं होता। और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इसका मतलब प्रतिरोध इसका हाई हुआ। तो एक चीज़ देखो, प्रतिरोध हाई कहीं दिया है, लंबाई पार अनुभागी क्षेत्र कम प्रतिरोध, ये गलत हो गया। कम प्रतिरोध की बात नहीं है, प्रतिरोध अधिक होता है ना, बताया ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो नहीं हो सकता। और उसके बाद बोला हुआ है कि टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल हजार, तापमान और बिजली का खतरा, ये भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ बात किया हुआ है इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है, जो हमारी इंसुलेटिंग सामग्री इसका यूज कहाँ करते हैं, जब हमें दो माध्यम को सेपरेट करना हो, अलग करना हो। जैसे दो भाइयों के बीच बंटवारा होता है, बीच में दीवार खड़ी कर लेते हैं, तो दो भाई डिवाइड हो गए ना, एक घर की छत थी, उसमें बीच से डिवाइडेशन कर लिए, उन्होंने क्या किया कि अब दो अलग अलग उनके कमरे हो गए, तो बीच में जो क्या हुआ, वो लेयर जो बनी, जो छत बनी, दोनों भाई को बांटने वाली हुई, डिवाइड करने वाली हुई ना। तो वही चीज है, क्या है, इंसुलेशन सामग्री है, उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो उसे इंसुलेटेड कर देती है, बना देती है। तो कौन सी होती है, उसका प्रतिरोध जो है बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध आ गया किसके, दो मटेरियल के बीच में। जैसे ये कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक। अभी ये बीच से क्रॉस कर दिया जाए, यहां पर क्या लगा दिया जाए, प्रतिरोध लगा दिया जाए, कोई अवरोधक लगा दिया जाए, बैरियर लगा दिया जाए, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, या होता ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना हो। तो देखो, अब ये कंडक्टर इस कंडक्टर के पास करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बैरियर लगा हुआ है, कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, जो इन दोनों को मिलने नहीं देता, करंट का कंडक्शन नहीं। अभी देखिए करंट का फ्लो हो रहा था, लेकिन अब क्या है, बीच में अवरोधक आ गया, तो इसका एक का मतलब क्या होगा, प्रतिरोध हाई होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इसकी जो सामर्थ्य है, ठीक। अगर ये हाई नहीं होगी तो बराबर है, अगर करंट का फ्लो करते रहोगे एक ऐसी कंडीशन आएगी, हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाएगा तो वापस से कंडक्टिविटी जाने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोल वगैरह होता है, अगर इंसुलेटर अगर आपका ब्रेक कर जाता है, कभी देखा हो, तो क्या हो जाता है, आपके पोल में करंट आ जाता है, पोल में करंट आ जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, किनको, जो वहाँ के मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं या जानवर होते हैं, उनको करंट लग जाता है। तो क्या करता है, ये उन्हीं को अलग करता है, ठीक, उन्हीं के जो बॉडी के आपके कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर और क्या बोलते, ट्रांसफार्मर हो गया आपका, पोल हो गया, या उसके ऊपर जो चालक आते हैं, तो उन सबको जो है सेपरेट किए रहता हुआ है आपस में, ताकि जो बॉडी में या उसके पोल में करंट ना आए, ताकि जो वहाँ पर मानव और जानवर वगैरह हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान हो सके। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंसुलेशन प्रतिरोध, और ये हिंदी मत पढ़ा करिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इनमें दोनों में क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये। और इसके बाद फिर से हम आएंगे कल जो है नए क्वेश्चन लेकर, आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, यदि कोई डाउट है तो आप दोस्तों से डिस्कशन करिए। इस बार हम लोग का पूरा का पूरा विश्वास दे रहे हैं आप लोग को कि छोड़कर नहीं जाया जाएगा, पूरा कंप्लीट जो है जितने टॉपिक है सब कवर करवाए जाएंगे। इस क्लास के यदि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल रही है तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं, ताकि वो सब भी लाभ हासिल कर सकें।